हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स के पार्ट वन के बारे में। पार्ट वन का मतलब है हम लोग कार्बोहाइड्रेट तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन ऐसा है जो दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मेंस में उसके लगातार सवाल आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद यू विल बी ऑलवेज एबल टू डू एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इन जेईई मेंस। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्लॉक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को नीट वाले बच्चे बायोलॉजी में पढ़ चुके होते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें कुछ आइडिया होता है, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होता है। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू वालों के लिए बायोमोलिक्यूल एक नीरस चैप्टर होता है जिसे मैं कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग बना पाऊं, आपको थोड़ा मजा आए पढ़ के। तो चलो शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स पार्ट वन। पार्ट टू भी एक वीडियो आएगा, इसका मतलब है पार्ट वन है तो पार्ट टू तो ऑब्वियसली यही आएगा। तो पार्ट वन को शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स की सबसे मज़ेदार बात जो मेरे को एनसीईआरटी में मिली, जो सबसे ही मज़ेदार चीज़ लिखी थी, वो पहली लाइन से ज़रा ध्यान से पढ़ना कि द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिस्टम इज दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग पूरा ही पूरा कैसे बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन हमें कुछ चीज़ ऐसी है जो जिंदा है, ठीक है। तो हम लोग नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिंदा है, वो उसी को शायद आत्मा परमात्मा जो कुछ कह सकते हो वो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फॉर्मूला। जो पहले की ओल्ड डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, उसमें ये कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट की जनरल डेफिनेशन जो आई वो CXH2O होल वाई, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन समझा जाता था इन्हें। ये कार्बोहाइड्रेट जो नाम रखा गया है, इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की वजह से रखा गया है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इन्हें क्या समझा जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम देखो ध्यान से, तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में देखो क्या है, C6H12O6 लिखा हुआ है, C6H12O6 लिखा है। C6H12O6 को हम C6H2O6 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम सुक्रोज का फॉर्मूला देखें तो C12H22O11 लिखा हुआ है, जैसे C12H2O11 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लगता था जो ये क्या कर रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं CXH2O होल वाई। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। लेकिन बाद में यार ऐसे मॉलिक्यूल, ये तो मतलब ट्रिवियल नेम है ना, कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया और लिख दिया। बाद में लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह उन्हें लिखा जा सकता है लेकिन उनमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो एसिटिक एसिड को हम लिख सकते हैं C2H2O होल ट्वाइस, या फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हैं C1H2O1, लेकिन ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये डेफिनेशन डिस्कार्ड कर दी गई कि ये केवल ऑब्जर्व करके कहना, जैसे हम लोग नहीं ऑब्जर्व करके कह देते हैं कि किसी भी की सारी गाड़ियाँ चार पहिए वाली अच्छी होती हैं, या सारी बाइक जिनका इंजन हैवी है वो बहुत अच्छी चलेंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कुछ करके ट्रिवियल नेम लिखना साइंटिफिक तरीका नहीं है, जो फेल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि हमने CXH2O Y लिखा था जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के लिए कुछ मॉलिक्यूल पे ट्रू हो रहा था कार्बोहाइड्रेट्स के, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं हो रहा था, तो इसे हमें बदलना पड़ा। जब न्यू डेफिनेशन लाए तो न्यू डेफिनेशन क्या लाए, न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट कर सकें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस, सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो या तो वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन खुद हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए। तो क्लासिफिकेशन जब कार्बोहाइड्रेट का किया गया, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात की गई है, तो सबसे पहले उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ही डिफाइन किया गया। मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट है जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। आई रिपीट, मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव फर्दर स्मॉलर यूनिट्स, ठीक। तो उन्हें हमने कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। केवल नेचुरली अकरिंग जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो 20 हैं, जिनमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये हम लोगों को नेचुरली जो पता है। ग्लूकोज हम लोग ग्लूकॉन डी के फॉर्म में पीते हैं, ग्लूकॉन डी में डी जो होता है वो विटामिन डी नहीं होता यार, है ना, ध्यान रखना। अभी बताऊंगा, मजेदार बात है बहुत, कि अगर तुमने ग्लूकॉन डी में विटामिन डी समझ लिया तो हो गया, समझ लो खत्म कहानी।
विटामिन डी बहुत एक्सपेंसिव आता है, कभी मेडिकल स्टोर पे जाके पता करना कि विटामिन डी का पाउच कितने का, 1 ग्राम 30 रुपए का आएगा और ग्लूकॉन डी इतना सारा आ जाता है। ठीक, तो ग्लूकॉन डी में डी क्या है मैं ये बात बताऊंगा तुम्हें। ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनकी हाइड्रोलिसिस से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं जिनमें 2 से लेके 10 यूनिट तक क्या मिलती है? मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती है। जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, तो हम इसे कहेंगे सुक्रोज इज एन ऑलिगोसैकेराइड। अगर स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड्स जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे उन्हें हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। जैसे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब क्या है? ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक, पॉलीसैकेराइड्स के लिए खास बात है जो मैंने हाईलाइट करके लिखी है, देखो दूसरे कलर के पेन से, कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसैकेराइड स्वीट नहीं होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। पॉलीसैकेराइड ये सीधे सीधे नीट में या मेंस में या एडवांस में सीधे सीधे लाइन पूछी जा सकती है कि पॉलीसैकेराइड क्या मीठे होते हैं? नहीं, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स। उन्हें हम नॉन शुगर्स कहते हैं, दे आर नॉट शुगर्स। मतलब सेल्यूलोज इज कॉटन, कॉटन कोई शुगर थोड़ी है, ठीक है, लेकिन सैकेराइड तो है। ठीक, अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में अगर बात करें, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रेजिन या शिफ्ट वेस को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, हम उसे कहते हैं, या बेनेडिक सोल्यूशन को, बेनेडिक सोल्यूशन, टॉलरेंस रेजिन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो मोनोसैकेराइड होती हैं वो सारे ही कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक, तो सारे मोनोसैकेराइड एल्डोहेक्सोस और कीटोस सारे कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स हमें ज्यादा पढ़ने हैं, डाइसैकेराइड्स भी पढ़ने हैं, पॉलीसैकेराइड सबसे कम पढ़ने हैं। मोनोसैकेराइड क्योंकि ग्लूकोज हमारे प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है, इसलिए मोनोसैकेराइड के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बात मेरी समझ में आनी चाहिए। ठीक, ग्लूकोज कह रहा है, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे करते हैं? केन शुगर से जो सुक्रोज मिल रही है, गन्ने के रस से हम लोग सबसे ज़्यादा चीनी बनाते हैं, तो इसीलिए शुगर मिल्स में तुम्हें पता होगा गन्ना बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, जिसके चक्कर में किसान आंदोलन होता है। ठीक, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो केन शुगर है वो गन्ने के रस से ही, केन शुगर में सुक्रोज जो है वो गन्ने के रस से मिलेगी, जिससे हम हाइड्रोलाइज करके क्या बना लेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे। स्टार्च या सेलुलोज की भी जब हाइड्रोलिसिस करनी होती है, तो सेलुलोज या स्टार्च की हाइड्रोलिसिस नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती, हाई टेम्परेचर पर होती है, तो 393 यानी 120 केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ग्लूकोज बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, पहली बात। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। देख रहे हो, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबली कहा है, क्योंकि कोई बात कंफर्म होकर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ग्लूकोज सबसे ज्यादा है। तो ये एल्डोहेक्सोज है। इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? एक डंडी बनाएंगे, नीचे से CH2OH लिखेंगे, और फिर इधर 3 बार, 2 बार OH, फिर 1 बार H और फिर 1 बार OH, और फिर उसके अपोजिट में जहां OH है उसके अपोजिट में, जहां H है उसके अपोजिट में OH लिख देंगे। तो स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है कि बॉटम मोस्ट के 2 कार्बन जो हैं उन पे OH राइट में है, और एक टॉप पे OH राइट में है, एक ही HH और लेफ्ट में, मतलब राइट में है हमारे पास। ठीक, अब ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे ग्लूकोज को अगर MHI के साथ हीट करें, तो HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो किसी से भी रिडक्शन करा के क्या बना देता है? NHN बना देता है। NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराएं तो इससे ऑक्साइम बन जाएंगे। Br2 वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। HCN से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये सारे टेस्ट ये बताते हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री स्टेट में मिल रहा है, प्रेजेंट है उसमें, मिल रहा है हमें। अगर इससे रिएक्शन नहीं होगी तो ये कहेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या कर रही है? इन्हें ऐसे ही याद रखना, रटना मत, इन्हें लिख लिख के याद करना पड़ता है भैया। लिख लिख के क्या याद करना और कैसे याद करना, मेरी बात सुनो ध्यान से।
आंख बंद करके भी सुन लो तब भी समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज की अगर रिएक्शन NH2OH से कराएंगे, जैसे कीटोन्स की कराते थे NH2OH से तो ऑक्साइम बनते थे, वैसे ही ग्लूकोज से कराएंगे तो ग्लूकोक्साइम बन जाएंगे, यानी ऑक्साइम लिख दिया। Br2 वाटर से कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएंगे, SCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेंगे। ठीक, अगर हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा। HNO3 से कराएं तो दोनों तरफ टॉप में भी COH आ जाएगा और बॉटम में भी COH आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो लिख लो अपने पास कि अगर इसके HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो पेंटा एसिटेट बन गया, जो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप थे। कितने OH ग्रुप थे? 5 OH ग्रुप थे। ठीक, ये कंफर्मेशन टेस्ट है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से सैक्रिक एसिड बन गया। ठीक, और ग्लूकोनिक एसिड के भी ऑक्सीडेशन से सैक्रिक एसिड बना। ठीक, तो सैक्रिक एसिड कह दें या ग्लूकैरिक एसिड कह दें, एक ही बात है। ठीक, अब ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, कई बार ये लाइन पूछी जाती है कि ग्लूकोज का सही सही नाम बता दो, तो ग्लूकोज का सही नाम है अल्फा, जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ग्लूकोज का सही नाम कह रहे हैं वो कह रहे हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो शब्द याद आ रहा, डेक्स्टर यहीं से लिया मैंने, डेक्स्टर मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहीं से मैंने डेक्स्टर कैम के लिए भी लिया शब्द, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डेक्स्टर मतलब राइट, राइट केमिस्ट्री डेक्स्टर कैम। ठीक, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज राइट को राइट में रोटेट करते हैं उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल हैज नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कैपिटल डी और स्मॉल कैपिटल डी और कैपिटल एल का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक कन्वेंशनल फिनोमिना है। तो जो डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, डी प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसीलिए ग्लूकोन ग्लूकोज के डिब्बे पे ग्लूकोन डी लिख के आता है। नेचुरली अकरिंग शुगर सारी डी शुगर्स होती हैं और एमिनो एसिड सारे एल होते हैं। ठीक, तो जो ग्लूकोज के डिब्बे पे ग्लूकोन डी लिखा रहता है वो डी, ये वाला डी है, वो डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो नहीं मतलब जो डी कॉन्फिग्रेशन वाला है। ठीक, प्लस साइन डेक्स्ट मतलब दिखा रहा है जो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखा रहा है। इनकेस इन प्लस ग्लूकोज ओ एच ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट साइड विच इज कंपेरेबल टू प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड, सो प्लस ग्लूकोज इज असाइंड एज डी कॉन्फिग्रेशन। तो हम इस ग्लिसरेल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं, तो ओ एच अगर राइट में है CH2OH के वाले ऊपर वाले कार्बन पे तो हम कह देंगे ये डी है, अगर लेफ्ट में है तो हम कहेंगे एल है। IIT ने एडवांस में ये सवाल पूछा है कि एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख दो। ठीक, तो इसके मिरर इमेज बना के लिख देंगे तो बिल्कुल एल ग्लूकोज बन जाएगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में देखो OH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, दोनों हैं। ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें CHO भी है ये और OH भी है। अगर ये वाला ऑक्सीजन इस पर अटैक कर दे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और 6 मेंबर की रिंग हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उन्हें बनाना फेवरेबल काम होता है। तो जो ग्लूकोज बना वो डी ग्लूकोज जो था वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बट सम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस रिएक्शन। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, एंड इट डज नॉट फॉर्म बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। अब NaHSO3 के साथ बाइसल्फेट प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें सी डबल बॉन्ड हो, फ्री स्टेट में नहीं है। पेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमीन, पेंटा एसिटेट मतलब बन गया, तो यानी कि एक बार अगर सारे OH एंगेज हो गए तो वो हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन भी नहीं करता। ठीक, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज हमने ये लिखा है 1 to 6, 6 नंबर जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर लिख दें इस नंबर को 6, तो ये वाला ऑक्सीजन अटैक करके ये 6 मेंबर की एक रिंग बनाता है जिससे दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से दो तरह के स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बन रहा है और बीटा डी प्लस ग्लूकोज बन रहा है। ठीक, अब जो दो साइक्लिक हेमी एसेटल कार्बन है उन पे ग्लूकोज का कॉन्फिग्रेशन चेंज, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हेमी एसेटल कार्बन पे देखो OH क्या है राइट में और यहाँ पे OH लेफ्ट में है। तो जब OH एक कार्बन पे हेमी एसेटल कार्बन पे जब OH और H का कॉन्फिग्रेशन इन्वर्ट होता है तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्या कहेंगे? फिर से बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, मैंने लिखा भी है।
टू साइक्लिक हेमिएसिटल्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स. इसीलिए अल्फा और बीटा आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उन्हें एनोमर्स कहते हैं. ठीक. अब जो सिक्स मेंबर की साइक्लिक रिंग होती है उसे पायरेनोस कह सकते हैं. पायरेन रिंग से आया है तो इसे हम पायरेनोस कहते हैं. ठीक. तो ये अल्फा बनाया और ये बीटा बनाया. अब इसे बनाने का तरीका देखो क्या है, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई जरा. अगर मैं तरीका बताऊँ तो ट्रिक सिखा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है बहुत. मैंने ग्लूकोज बना लिया यहाँ पे. तो यहाँ पे OH मैंने बताया था, नीचे दो OH, एक H, फिर OH और CHO. ठीक. फिर H के अपोजिट में OH और OH के अपोजिट में H, तो ये ग्लूकोज बन गया. अब इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये कार्बन जो था हमारा वो ये वाला कार्बन है. तो इस पे एक बार OH ऊपर जाएगा और एक बार OH नीचे आएगा, क्योंकि ये कार्बन खुद में कैसा है, ये खुद में sp2 हाइब्रिड कार्बन है. ये खुद में कैसा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है. तो ये दो तरह से अटैक कर सकता है, OH ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है. ठीक. अब इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे. अब बाकी स्ट्रक्चर कैसे रटे, सिक्स मेंबर की रिंग बन गई, ऑक्सीजन बीच पे आ गया, पहले वाले कार्बन को में OH ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है. उसके बाद सेकंड कार्बन पे जब आएंगे तो अगर हम नंबर करें तो ये फर्स्ट कार्बन था, सेकंड ये था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तो ऑक्सीजन था. ठीक. तो जो भी राइट में लिखा है उसे नीचे लिखा है. देखो OH राइट में है तो OH नीचे है, H राइट में है तो H नीचे है, OH राइट में है तो OH नीचे है, और CH2OH बड़ा ग्रुप है वो हमेशा रिंग के बाहर ही रहेगा. ठीक. जो भी राइट में है उसे नीचे लिखा गया, ध्यान देने की बात है ये. बहुत कई बार करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि जो भी राइट में लिखा है उसे हमें नीचे लिखना है. ठीक है. और अल्फा फॉर्म, अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए OH अगर नीचे लटक रहा है तो अल्फा, ऊपर चला गया तो बीटा, नीचे तो अल्फा, ऊपर तो बीटा. तो ग्लूकोज की मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सी है नेचुरली अकरिंग, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज. अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज. ठीक. ये ट्रिक याद रह पाएगी कि जो भी राइट में है उसे नीचे लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर, तुम्हें बुद्धि लाने की जरूरत नहीं है. ठीक. फ्रक्टोज की बात करते हैं. फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज. ये अभी तक ग्लूकोज कैसा था, ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज था. फ्रक्टोज कैसा है, फ्रक्टोज हमारा कीटोहेक्सोज है. ठीक. फ्रक्टोज हमारा कैसा है, कीटोहेक्सोज है. फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज. इट इज अ नेचुरल मोनोसैक्राइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स. इन प्योर फॉर्म इट इज यूज एज ए स्वीटनर. ठीक. सिंपल स्ट्रक्चर है. इसमें जो एल्डिहाइड था उसकी जगह क्या आ गया, एक कीटोनिक ग्रुप आ गया, बाकी नीचे के तीन ग्रुप सेम रहे, ऊपर भी CH2OH आ गया. अब क्योंकि इसमें ये नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, देखो जरा ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, और ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये sp2 है, तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर बन पाएंगे. लेकिन रिंग बनेगी पांच मेंबर की. जो पांच मेंबर की रिंग होती है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फ्यूरेन. फ्यूरेन एरोमेटिक कंपाउंड है. ये कैसा है, ये एरोमेटिक है. ठीक. आईटी ने ये भी क्वेश्चन पूछ रखा, तो इसमें पांच मेंबर की रिंग बना दी. तो OH अगर राइट में है तो अल्फा, लेफ्ट में है तो बीटा. अगर हम इसे फिर से बनाएं तो देखना जरा ध्यान से भाई, इसे ध्यान से देखो जरा कि जो एनोमेरिक कार्बन है वो ये वाला कार्बन है जिसमें OH का कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है. बाकी जो भी राइट में था वो नीचे है, देखो ध्यान से, और CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है. तो राइट में कौन था, H था, तो H नीचे. राइट में देखो जरा, राइट में H है तो H नीचे. ठीक. OH तो OH नीचे. ठीक. और CH2OH हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि बड़ा ग्रुप है, हमेशा ऊपर रहेगा. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, जो भी राइट में है उसे नीचे लिखेंगे. तो ये पांच मेंबर की रिंग को क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज लिखेंगे. फ्यूरेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पांच मेंबर की रिंग है ऑक्सीजन के साथ, और फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोस से आया, और माइनस का मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो लेबोरेटरी है, डेक्सट्रो रोटेटरी नहीं है. ठीक. ये हॉवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनके, तो इन्हें हमने देख लिया. अब बात आती है डाइसैकेराइड्स की. ठीक.
डाइसैक्राइड्स क्या है? डाइसैक्राइड्स द टू मोनोसैक्राइड यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इस लिंकेज को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. ठीक है, इसका बड़ा पॉपुलर नाम है ग्लाइकोसिडिक. ये क्या करते हैं? दो मोनोसैक्राइड से एक वाटर रिमूव करने पे जो लिंकेज बनती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैक्राइड यानी हेमिएसिटाइल ग्रुप जो है इज नॉट फ्री बट इन बॉन्डेड स्टेट. फ्री नहीं है लेकिन बॉन्डेड स्टेट में दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो अगर हेमिएसिटाइल लिंकेज फिक्स मतलब फ्री नहीं है बॉन्डेड स्टेट में है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर. यानी कि अगर वो एसिटल बन जाए तो हेमी एसिटल क्या है? हेमी एसिटल ये OH है और ये OR है. ये है हेमी एसिटल. जिसे नहीं पता उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ. और अगर ये दोनों OR OR आ जाए तो ये एसिटल होता. तो अगर हेमी एसिटल फ्री है OH और OR ग्रुप दिख रहा है तो वो क्या करेगा? वो रिड्यूसिंग शुगर होगा. लेकिन अगर दोनों ही OR OR आ गए तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा और वो एसिटल बन जाएगा. एसिटल्स आर स्टेबल टू बेसिक कंडीशंस. ठीक है, सुक्रोज की बात करते हैं. सबसे कॉमन डाइसैक्राइड जो है वो सुक्रोज है. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो टेबल शुगर है हमारी, वो सुक्रोज है. सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है. ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो लेवोरोटेटरी है. मैंने लिख दिया है ग्लूकोज जो सुक्रोज बनता है तो सुक्रोज जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है. और जिसके बीच में लिंकेज है वो कैसी है? ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन वाली लिंकेज दिखाई है. सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज. ठीक है, सुक्रोज खुद कैसा है? सुक्रोज खुद जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो ग्लूकोज दे रहा है और क्या दे रहा है? लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज दे रहा है. ठीक, द ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल सोल्यूशन इज लेवोरोटेटरी. This change from dextrorotatory to levorotatory is called inward sugar. क्या हो रहा है? पूरा solution पहले dextrorotatory था, वो levorotatory हो गया. तो dextro से levo में change होने की वजह से sucrose is also known as inward sugar. कई बार पूछ लेते हैं कि inward sugar क्या है. फिर second जो disaccharide है वो maltose है. ठीक, maltose क्या है? Maltose is composed of two alpha D ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक्ड विद C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज. यानी कि इसमें अल्फा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. क्या है? अल्फा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब इसमें देखो ये रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि इसमें ये वाला OH जो है वो फ्री है. तो ये OH हो गया और ये OR हो गया पूरा. तो ये देख लो भाई, इसमें ये OH हो गया और ये OR हो गया पूरा. तो ये कैसा है? ये फ्री हेमी एसिटल लिंकेज है. फ्री हेमी एसिटल लिंकेज है ये. तो ये कैसी होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी. तो ये कैसी होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी. लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस इट इज फाउंड इन मिल्क. इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज. ठीक, द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज. ठीक, ये भी रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो OH और OR फ्री है. ये वाले में नहीं है लेकिन इधर साइड से फ्री है. इस तरह से नहीं है लेकिन इधर से है. तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की 1-4 लिंकेज से बना ये. ठीक, फिर पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं. पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहले आता है स्टार्च. स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स रूट्स ट्यूब्स एंड सम वेजिटेबल्स. ठीक, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. कौन कौन से कंपोनेंट है इसके? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. ठीक, एमाइलोज क्या है? एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट वेयर एज एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल. ये बात ध्यान रखना है, मेंस में आएगी. फिर मत कहना कि सर नोट्स तो ध्यान से पढ़े नहीं हमने, मेंस में सवाल गलत हो गया. तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट वेयर एज एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल. एमाइलोज कंटेन 15-20% ऑफ स्टार्च वेयर एज रेस्ट मीन्स 80-85% इज composed of amylopectin. Amylose is a long unbranched chain with 200-2000 alpha D glucose
ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाई C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। मैंने बहुत सुंदर सा फिगर बनाया है, इसे देख सकते हो। तो ये अल्फा लिंकेज है हमारी और इसमें मैंने ग्लूकोज की यूनिट्स दी हैं, ठीक। तो अल्फा 1,4 लिंकेज है इसकी ग्लूकोज के साथ। एमाइलोपेक्टिन जो होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोज के साथ, उसकी C14 लिंकेज होती है, साथ साथ उसकी C16 भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। दो तरह की लिंकेज होती हैं, ब्रांचिंग 16 होगी और नॉर्मल चेन जो चलेगी वो 14 चलेगी, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लो ये लिंकेज कैसी है, C14 लिंकेज है और ये 16 लिंकेज है, ठीक। और नीचे भी देखो अल्फा लिंकेज है, तो ये एमाइलोपेक्टिन बन गया, ठीक। स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करना है, कम से कम नोट्स में हाईलाइट जरूर कर लेना है ना। अब बात करते हैं सेल्युलोज की। सेल्युलोज क्या है? सेल्युलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इट इज प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल एंड द प्लांट सेल। सेल्युलोज जो होती है वो 95% जो कॉटन होती है उसमें सेल्युलोज ही होता है ऑलमोस्ट। इट इज कंपोज ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट विद C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो ये बने केवल बीटा डी ग्लूकोज से हैं, लेकिन इनकी जो लिंकेज है वो C1C4 बीटा डी ग्लूकोज की लिंकेज है, अल्फा की नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। तो बीटा लिंक मैंने इतना मोटा मोटा लिखा है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल एज ग्लाइकोजन, ठीक। कैसे स्टोर होते हैं? एज ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इट इज रादर मोर हाईली ब्रांच, ठीक। इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। म्यूटा रोटेशन। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कैसे हैं? ये इंपॉर्टेंट है और भगवान की दया से एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, ठीक। जब एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो पेपर में आ रहे हैं, तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन इज अ डिफरेंस इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एनोमर्स ऑफ द सोल्यूशन। अब ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आपस में इंटरकन्वर्टेबल होता है। कभी ओपन चेन बन जाता है, कभी अल्फा फॉर्म बनता है और कभी बीटा फॉर्म बनता है। अल्फा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन कुछ और है, बीटा फॉर्म का कुछ और है, तो नेट जो इक्विलिब्रियम पे ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। इन तीनों के ऑप्टिकल रोटेशन अलग होने से जो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन है उसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। म्यूटा रोटेशन कम्स फ्रॉम म्यूटेशन। म्यूटेशन इज एबनॉर्मलिटी, ठीक है। जैसे हम लोगों की पहले पूंछ हुआ करती थी इंसानों बंदरों की, फिर बाद में हट गई। जिराफ की गर्दन छोटी थी लेकिन म्यूटेशन वजह से धीरे धीरे लंबी होने लगी। तो म्यूटा रोटेशन मतलब क्या है कि जो नॉर्मल था वो नहीं है, अब कुछ और हो गया, ठीक। फॉर एनी मॉलिक्यूल टू शो म्यूटा रोटेशन इट मस्ट हैव हेमिकेटल और हेमी एसिटल ग्रुप। ओपन चेन और क्लोज चेन के स्ट्रक्चर बने हैं। तो जैसे अगर हम अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन देखें तो हमें पता लगेगा कि अल्फा फॉर्म का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 112 डिग्री है और बीटा फॉर्म का 18.7 है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टेन हो रहा है वो आ रहा है 52.7 डिग्री का, ठीक है। तो इसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसके बाद बात आती है एपिमराइजेशन की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एपिमराइजेशन क्या होता है? द डायस्टीरियोमर्स विद मोर देन वन स्टीरियो सेंटर डिफर्स इन द कॉन्फिग्रेशन अबाउट ओनली एट वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपिमर्स। यानी कि पूरा मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर तो होगा लेकिन उसमें किसी एक कार्बन एटम के अराउंड चेंज आएगा, ठीक। तो उसे हम एपिमर्स कहते हैं, ठीक। और इस प्रोसेस को कन्वर्टिंग एक एपिमर को दूसरे एपिमर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एपिमराइजेशन, ठीक। तो जैसे अगर हम ग्लूकोज और मैनोज को देखें तो ग्लूकोज और मैनोज कैसे एपिमर है? C2 एपिमर है। बाकी स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखोगे तो हमें पता लगेगा कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, केवल सेकेंड पोजिशन पे H और OH की पोजिशन इंटरचेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मिरर इमेज नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये एपिमर्स हैं। रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स विद फेनिल हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार पेपर में आने की संभावना रहती है। इससे क्या होते हैं? ओसा जो बनते हैं, मैंने पहले से इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। और एक मोल ऑफ ग्लूकोज से, ध्यान रखना ये याद रखने वाली बात है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है।
कि एक मोल से कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। When heated in a dry test tube, it melts, turns brown and finally black, giving a characteristic smell of burning sugar. जब दूध जल जाता है तो ऐसी महक आती है, तुम्हें पता होगा, ठीक। या कहीं पे चीनी जब गर्म की जाती है लड्डू बनाने के लिए, या मतलब सीरा बनाया जाता है, तो ऐसी महक आती है। When warm with a little concentrated H2SO4, it leaves a charred residue of carbon. कार्बन का residue आ जाता है। बाकी अब जो टेस्ट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, मेंस में लगातार पूछे जा रहे हैं। इस बार जनवरी 2023 में मेंस में भी लगभग हर पेपर में एक सवाल इससे भी था, ठीक, कि बायोमोलिक्यूल से वो नहीं पूछ रहा अल्फा डी ग्लूकोज और ये सब कम पूछते हैं, लेकिन अब ये टेस्ट के बारे में पूछता है। और ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मैंने कहा था ना इनिशियली कि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं वो भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये वही बात है, इन्हें याद करना है, जरूरी जरूरी, ठीक है। मॉलिश टेस्ट क्या कह रहा है, मॉलिश टेस्ट कह रहा है, अ ड्रॉप ऑफ ड्रॉप और टू ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इज एडेड टू 2 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड 1 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। द फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट रिंग्स एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने का ये तरीका है। ओसा जोन टेस्ट हम लोग जानते हैं क्या है, ठीक। फिर बारफोइड टेस्ट आ जाता है। बारफोइड टेस्ट क्या है, ओसाजोन भी चलो पढ़ ही देता हूँ, कि एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, माल्टोस, लैक्टोस, ये सब ओसाजोन बनाते हैं फेनिलहाइड्राजिन की प्रेजेंस में। बारफोइड टेस्ट क्या है, बारफोइड टेस्ट से पहले पता होना चाहिए बारफोइड रिएजेंट क्या है। तो अ डाइल्यूट सोल्यूशन अबाउट 7% ऑफ क्यूप्रिक एसिटेड इन 1% एक्वा एसिटिक एसिड इज नोन एज बारफोइड रिएजेंट। मोनोसैकेराइड्स व्हेन हीटेड विद बारफोइड रिएजेंट यील्ड्स अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CU2O। डाइसैकेराइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, केवल मोनोसैकेराइड ये टेस्ट देते हैं, ध्यान रखने की बात है। इसीलिए अंडरलाइन किया है कि, और अलग पेन से भी लिखा है कि डाइसैकेराइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक। हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुम्हें याद हो थोड़ी बहुत, तुमने पढ़ी हो, तो तुमने हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी सेपरेट करना हुआ तो हमने एल्डिहाइड को टेस्ट किया, कीटोन को मान लिया कि जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो कीटोन है। ये टेस्ट सलेवनोफ अकेला ऐसा टेस्ट है जो कीटो शुगर को टेस्ट करता है, एल्डो शुगर को टेस्ट नहीं करता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसे टेस्ट करता है, ये कीटो शुगर को टेस्ट करता है, एल्डो शुगर को टेस्ट नहीं करता है। तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रिसोर्सिनॉल इन डाइल्यूट HCl इज नोन एज सलेवनोफ रिएजेंट। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कीटो हेक्सोस इज हीटेड विद सलेवनोफ रिएजेंट, अ रेड कलर इज डेवलप्ड। दिस टेस्ट इज गिवन बाय कीटो हेक्सोस, ठीक, एंड सुक्रोज ओनली, बट नॉट बाई एल्डोहेक्सोस एंड माल्टोज, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये कीटोहेक्सोस को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ तक की बात जो हमने की वो हमने की कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट तक की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे एमिनो एसिड्स की, ज्यूटेराइन की, और ज्यूटेराइन से हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, ठीक है। और हम बात करेंगे विटामिन की, आरएनए की, डीएनए की, हेलिक्स स्ट्रक्चर सब बात करेंगे। तो आईआईटी वालों जिन्हें इस बात से बहुत दिक्कत है, छोटा वीडियो बनाऊंगा, 20-30 मिनट का ही होगा वो भी, उसे ज़रूर देखना जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसके सारे सवाल तुम लगा पाओ। तब तक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच।